हेलो एवरीवन माय सेल्फ सलस्वी शर्मा और आज एक नए टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन सो कैसे हैं आप सब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो भी स्टूडेंट नीट्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है एनटीएससी नीट एनसीईआरटी कॉलेज लेक् स्टूडेंट्स सब इस वीडियो को देख सकते हैं और चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ थॉरेसिक चैम्बर ओके okay. क्योंकि हमें पता है लंग्स कहाँ प्रेजेंट होंगे थॉरेसिक चैम्बर में ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक चैम्बर सो लेट्स वी स्टार्ट दैट इज थॉरेसिक कैविटी सो लिख दें थोरेसिक कैवेटी दिस इज लंग्स ओके दैट इज लेफ्ट लंग एंड दिस इज राइट लंग ओके नेक्स्ट यहां प्रेजेंट होगा वर्टिब्रल कॉलम इज दैट क्लियर सो दैट इज वर्टिब्रल कॉलम Lungs एक बनाएंगे, प्लूरल भी हम इसको बोल सकते हैं और प्लूरल फ्लूड में ये प्रेजेंट होंगे प्लूरल कैविटी टू टाइप्स की लेरिंग बनाती है आउटर लेरिंग पेराइटल ले, लेरिंग और पेराइटल प्लूरा एंड इनर लेरिंग विसरल

यहां प्रेजेंट होगा वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम लो भाई दैट इज स्टर्नम ओके सो दिस इज स्टर्नम एंड डॉर्सल सरफेस पर वर्टिब्रल कॉलम इज दैट क्लियर नाउ यहां अपर सरफेस से कनेक्टेड अपर सरफेस वर्टिब्रल कॉलम से और लोअर सरफेस स्टर्नम से कनेक्टेड कनेक्टेड रिब्स प्रेजेंट होंगी सो दिस इज रिब्स ओके, रिप्स रिप्स जो है वो कितनी होंगी ट्वेल्व इन पेयर होंगी रिप्स के मिडल साइड में या बीच में एक्स शेप में क्या प्रेजेंट होंगी इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होंगे दैट क्लियर रिप्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होंगी दैट इज आउटर बॉडी बॉल ओके एंड दिस इज थोरेसिक कैविटी लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे लास्ट स्ट्रक्चर क्या है दैट इज डायफ्राम डायफ्राम सो वी कैन सी दैट थॉरेसिक चैम्बर कंसिस्ट ऑफ डोरसल सरफेस डोरसल सरफेस वर्टिप्रिल कॉलम ओके वेंट्रल सरफेस एंड लेटल सरफेस रिब्स ओके रिप्स जो है बच्चों रिब्स अपर सरफेस से वेंट वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होंगी लोअर साइड से स्टर्नम से कनेक्ट होंगी देख सकते हैं ये इस तरह से बनती है एक रिब केज बनाती हैं और क्या होंगी ट्वेल्व पेयर में प्रेजेंट होंगी ठीक है नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी यहां पर इसमें इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट होंगी इंटरकॉस्टल मसल्स इलेवन पेयर बनाएंगी ठीक है अभी जस्ट मैंने आपको बताया दैट इज रिब्स और रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट होंगी इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होंगी सो so, जब रिब्स ट्वेल्व इन पेयर में हैं तो ये बीच बीच में है तो ये कितनी होगी इलेवन पेयर बनाएंगी और टू पार्टीशन में ये क्या होंगी डिवाइड होंगी ठीक है टू पार्ट बनाएंगी ये क्या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड सेकेंड इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आउटर सरफेस में प्रेजेंट होंगी थोड़े से चैंबर में और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इनर साइड में प्रेजेंट होंगी इज दैट क्लियर आई थिंक एंड इंटरकोस्टल मसल्स आर इन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर क्लियर है एक्स शेप स्ट्रक्चर होगी इनकी देख सकते हो आप डायग्राम में मैंने बनाया है एक्स शेप में प्रेजेंट होंगी ये लास्ट बात करते हैं लास्ट एक और मसल्स प्रेजेंट होंगी जिसे हम कहेंगे डायफ्राम ओके एंड डायफ्राम इज डोम शेप्ड स्ट्रक्चर ठीक है डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होगा ये है थोरेसिक चैम्बर क्लियर